चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है मुंबई का, हर जगह का अच्छे अच्छे चीज़ को हम दिखाने वाले हैं। वेलकम गाइज, ब्लॉग श्री पंडित। और आज 3 जनवरी रात के 10:11 मिनट हो रहे हैं, LED बोर्ड में देख सकते हैं। अभी गोरखपुर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे हम खड़े हैं, यहाँ से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। ये जो पीछे खड़ी है देख सकते हैं आप, गोरखपुर से लोकमान्य टर्मिनल। तो ब्लॉग में बने रहिए और सफ़र का मजा लीजिए, मुंबई दिखाते हैं हम आपको। अभी इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है कि हमारे अनुमान से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा। काफ़ी मतलब ठंडी है, देख सकते हैं जो भी है वो गर्म कपड़ों में, काफ़ी मतलब ज़बरदस्त कपड़ों में है। और मैं भी ये देख सकते हैं, ये भी लगाया, फिर से कैप भी लगाया और ये स्वेटर, बहुत भी अंदर फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है। तो चलिए अब सफ़र करते हैं, सफ़र का मज़ा लेते हैं। और यहाँ पे ट्रेन की सफाई की जा रही है, साथ में सैनिटाइजिंग भी की जा रही है, क्योंकि फिर से कोरोना आ गया है। तो देखिए ये मशीन द्वारा सैनिटाइज और सफाई दोनों ही किया जा रहा है। तो ये सरकार बहुत बड़ी इस पर ध्यान दे रही है और हम लोग को संभलना चाहिए। और ये रही मेरी ट्रेन, खुल चुकी है गोरखपुर से मुंबई के लिए। फाइनली हम आ चुके हैं अपने सीट पे और अभी रात के समय चलते हैं सोने और मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी सुबह हो चुका है, चलिए फ्रेश होते हैं। और फाइनली हम फ्रेश होकर नाश्ता कर रहे हैं, देखिए ये। तो आप सब भी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ साथ, और ये देखिए। तो चलिए अब पूरे दिन सोते हैं, क्या करेंगे, कोई काम है नहीं। और ये देखिए मैं इटारसी जंक्शन पे पहुंच गया हूं अभी, और यहां पे देखिए ये एक बिरयानी कैसे मिल रहा है। और हमारे साथ साथ हमारे ट्रेन की हालत देख सकते हैं, इसमें रहने वाले लोगों को भी क्या है। तो हम भुसावल जंक्शन पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं इडली और सांभर, तो चलिए खाते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट है। और फाइनली दूसरी रात हो चुकी है, सभी लोग सो चुके हैं, तो अब हम भी चल रहे हैं सोने। देखिए ये लोग कैसे सो रहे हैं, मज़े में कोई गाना सुन रहा है, तो काफ़ी आनंद आता है ट्रेन में। फाइनली हम कल्याण जंक्शन पहुंच चुके और यहां से अब लोकल ट्रेन के लिए रुके हुए हैं, यहां से अंधेरी खोलेंगे। तो देखिए लोकल ट्रेन भी आ चुकी है और ये देख रहे हैं लोकल ट्रेन का यहां का नज़ारा सुबह के समय। और ये देखिए कितनी तेज़ी से चलती है ये मेट्रो भी, दिल्ली का मेट्रो भी। फिर तो फाइनली हम बैठ चुके हैं अंधेरी के लिए, तो यहाँ से अब हम अंधेरी चलते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं लोकल ट्रेन का मज़ा और सफ़र। तो देख सकते हैं ये यहाँ से ट्रेन खुल चुकी है और यहाँ से हम लोग, और ये देखिए यहाँ से चल दिए हुए हैं अंधेरी के लिए। तो ये देखिए बांद्रा जंक्शन है जो अभी क्रॉस कर रहे हैं। बांद्रा जंक्शन बहुत ही बड़ा जंक्शन, जानते होंगे आप शायद। और ये देखिए कितनी फास्ट से यहाँ पे ट्रेन गुजर रही है, आप सोच सकते होंगे कितनी फास्ट है ये। और हम फाइनली बहुत ही जल्द पहुँचने वाले हैं अंधेरी जंक्शन। तो ये देख सकते हैं कैसी फास्टिंग इस ट्रेन की है यहाँ पे। तो आप सब बने रहिए ब्लॉग में, बहुत ही जल्द हम लोग अंधेरी पहुँचने वाले हैं। हम आपको दिखाते हैं अंधेरी का नज़ारा। और ये देखिए सामने अंधेरी जंक्शन आपको दिख रही है। मेली हम अंधेरी पहुँच चुके हैं और यहाँ से ऑटो लेंगे और अपने रूम पर चलेंगे। ये लोकल ट्रेन का आप नज़ारा देख सकते हैं, अब यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, 7-8 बजे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। फाइनली हम अंधेरी से बाहर निकल रहे हैं अंधेरी जंक्शन से, और ये देख सकते हैं आप इसका नज़ारा। तो वेट कीजिए और एक दिन मैं पूरे लोकल ट्रेन का सफ़र करके अच्छा से ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो अगले ब्लॉग के लिए वेट कीजिए। और ये अंधेरी जंक्शन के पुल पर से ऊपर का नज़ारा देखें, और अंधेरी रेलवे स्टेशन का अपना नज़ारा देख सकते हैं। सामने देख रहे हैं टिकट घर है, और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा पंखा लगाया गया है, मेरे सर के ऊपर बहुत ही बड़ा फैन लगाया गया है यहाँ पे, और इसका कितना साफ सफाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं, एसी बस जो कि सरकारी बसें हैं यहाँ पे। और ये देखिए इसका टिकट जो कि 13 रुपया में मात्र अपने मेरे रूम को छोड़ेगी। फाइनली हम यारी रोड बस स्टॉप पहुँच चुके हैं, और यहाँ से 100 कदम मात्र मेरा रूम है। तो बहुत ही जल्द हम रूम पे पहुंचने वाले हैं, तो वहां पे पहुंच के कुछ और ख़ास बातें करते हैं। और एक ख़ास चीज़ आप लोग नोटिस शायद नहीं कर रहे हैं, वो मैं नोटिस कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं अभी वो ख़ास चीज़ क्या है। यहां पे देख सकते हैं अभी भी अंधेरा है, 6:40 हो रहा है सुबह के, फिर भी यहाँ पर अंधेरा है। तो यहाँ पर बिहार से लगभग 1 घंटा बाद ही इधर सूर्य निकलते हैं, यानी 7 बजे तक इधर उजाला होगा। और देखिए अभी ये सोए हुए हैं, और देखिए लाइट भी बंद है, ओपन किया डोर फिर सो गया।
और इसका हालत आप देख सकते हैं, लग रहा है मेरे से ज़्यादा ये थका हुआ है। देखिए सो गया, फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम पे, तो अभी चलते हैं फ्रेश होने। पहले हमने फ्रेश हो गया और खाना भी खा लिया, काफ़ी मज़ेदार खाना बनाया था ये, दाल चावल और चोखा। और ये मेरा दोस्त है, तो ये रूममेट है। और चलिए अगले ब्लॉग के लिए वेट कीजिए, और काफ़ी थकान हो चुका है, लगभग 1800 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं, लगभग 36-37 घंटा लगा है, तो ट्रेन में जानते हैं क्या हलवा होगा। तो अभी आज के ब्लॉग में इतना ही, और मेरे वीडियो में अभी तक रुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है, मुंबई का हर जगह का अच्छे अच्छे चीज़ को हम दिखाने वाले हैं, और साथ में ये भी आएगा। तो चलिए अगले ब्लॉग के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।